हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में हमने एक पोस्ट किया है जिसमें हमने आपसे पूछा है जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करें। तो लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर दिव्या माही सिंह जी ने कमेंट किया है कि इनका कहना है कि IPPB में अकाउंट है और अगर हम अपना अकाउंट नंबर भूल जाते हैं, CIF नंबर भूल जाते हैं या हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में IPPB का जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो हम कैसे प्राप्त करें। बहुत अच्छा सवाल है इनका। आइए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट विस्तार से जानेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप सभी जानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप डिजिटल अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक साल के अंदर तक अपना KYC आप करवा करके उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। डिटेल्स में हमने इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IPPB का अकाउंट नंबर आपका गुम हो जाता है, जो QR कोड मिला था आपके दिमाग से भी भुला जाता है, ठीक है। CIF नंबर भी आपके पास नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है जिस नंबर से आपने अकाउंट खोला था। चूंकि आप जब भी IPPB का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको एक्सेस करोगे तो सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर, आपका CIF नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगेगा, देन उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, यानी जिस नंबर से आपने IPPB में अकाउंट ओपन किया था वो नंबर आपके पास है, कुल मिलाकर रजिस्टर्ड नंबर आपके पास है, लेकिन आपके पास अकाउंट नंबर और CIF नंबर नहीं है, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? आपको कॉल लगाना है 15529 पर, ठीक है। ये चार्जेबल कॉल है, इसमें कुछ रुपए कटेंगे आपका, ठीक है, लेकिन चलिए 2-3 रुपए 4 रुपए कटते हैं और आपका सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो यहां पर जब आप कॉल लगाएंगे तो आपको अकाउंट नंबर नहीं याद, तो आप 2 दर्ज करिएगा, ठीक है, और 2 दर्ज करने के बाद यहां पर आपसे पूछेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम पूछेगा, ठीक है, आप कहां से बात कर रहे हैं वो पूछेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपका पोस्ट ऑफिस पूछेगा, उसके बाद आपके माता का नाम पूछेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, उसके बाद आपका पूरा एड्रेस पूछेगा, देन उसके बाद आपको वो प्रोवाइड करा देंगे आपका अकाउंट नंबर और आपका CIF नंबर, आप नोट कर लीजिएगा। ये तो हुआ पहला तरीका। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आपने आपका दिमाग से गुम हो गया है तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि आपका अकाउंट है IPPB में, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है, आपने अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया था वो मोबाइल नंबर भी गुम हो गया है, खो गया है, कहीं चोरी हो गया है, ठीक है, और आपका अकाउंट नंबर, आपका CIF नंबर भी आपके पास मौजूद नहीं है, सब कुछ आपको फाइंड करना है, ठीक है। बस इतना आपको याद है कि हमने कभी एक IPPB में अपना अकाउंट ओपन कराया था और उसका अकाउंट नंबर क्या मुझे नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में फिर भैया आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके एरिया में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में विजिट करने के बाद वहीं पर एक काउंटर होता है IPPB का, ठीक है, IPPB का एक काउंटर होता है, वहाँ पर जाकर के आधार कार्ड दे करके आपको बताना होगा कि हमारा अकाउंट नंबर गुम हो गया है, CIF नंबर भी गुम हो गया है, मेरे पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, आप फाइंड करके बता दीजिए। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस इसमें ज़्यादा लगेगा और आपके साथ कितना कॉपरेट है वो उस पर डिपेंड करता है। नहीं करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर ब्रांच वाले पर जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका गुम हो गया तो आपका पैसा चला गया, आपको नहीं मिलेगा, वो प्रोवाइड फिर आपको करा देंगे। लाइव हमने यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर था जो मेरे पास मौजूद, तो मैंने कॉल लगा करके अपना इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लिया चेक करने के लिए कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। और दूसरा वो जो पोस्ट ऑफिस वाला मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के IPPB काउंटर पर जाकर के वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर भी आप खो चुके हैं, गुम हो गया है आपका। तो आपने जान लिया, आई होप से दिव्या माही सिंह आपका जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो चुका। आपके साथ साथ जितने भी और लोग जानना चाहते थे उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमें एक लाइक तो जरूर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।